पति पत्नी और वो के शक के चलते 32 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। दरअसल बीते शनिवार की शाम यानी करवा चौथ के दिन जब तमाम सुहागने चांद के दीदार करने को बेताब थी, वहीं दूसरी ओर साइबर सिटी के पोस्ट इलाके जीएलएफ फेज एक के वैली व्यू एस्टेट सोसाइटी में रहने वाली 32 वर्षीय दीपिका की बहस अपने पति विक्रम के किसी अन्य महिला मित्र के साथ अवैध संबंधों के शक को लेकर तीखी होती जा रही थी और इसी बहस के बाद दीपिका की संदिग्ध हालातों में मौत सामने आई। दरअसल पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति विक्रम और दो अन्य के खिलाफ 302 हत्या, 120 भी हत्या की साजिश और 34 यानी षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज कर विक्रम को कल देर रात गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। हाई प्रोफाइल सोसाइटी की गगनचुंबी इमारतों के बीच जहां करवा चौथ का व्रत रखकर एक पत्नी अपने पति की लंबी आयु की कामना कर रही थी, वहीं पति पत्नी के बीच वो का विवाद ऐसा बढ़ा कि उसी पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली। गुरुग्राम के वैली व्यू सोसाइटी में दीपिका चौहान अपने पति विक्रम चौहान के साथ रहती थी। दोनों के बीच काफी समय से झगड़ा चल रहा था। झगड़ा किसी और बात को लेकर नहीं बल्कि पति पत्नी के अलावा तीसरा कोई और था जिसने इस परिवार की खुशियों को ग्रहण लगा दिया था। दीपिका को शक था कि उसके पति के किसी दूसरी लड़की के साथ अवैध संबंध है और जिस पर दीपिका और विक्रम के बीच कई दफा झगड़ा होता था, लेकिन करवा चौथ की वो चांदनी रात ने दीपिका चौहान की जिंदगी के दिए बुझा दिए। गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच करते हुए आरोपी पति वरुण के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ था और वो गुस्से में करिश्मा आकर क्योंकि कितने बजे की वारदात थी? 8:30 के करीब रात को, करवा चौथ के दिन। जी, तो आपने कोशिश नहीं की क्या? जब तक मैं पहुंचा हुआ है कोशिश की, बढ़ नहीं तो गिर रही थी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं। अवैध संबंधों की बात आ रही है सामने? ऐसा कुछ नहीं सर, वो बहुत पहले की बातें थी हमारी। झगड़ों के कारण में से एक कारण ये भी था। ठीक, ये डीएलएफ फेस वन गुरुग्राम के थाना के अंतर्गत 28 अक्टूबर 2018 को मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें एक 32 वर्षीय महिला दीपिका चौहान जो एक तीसरी मंजिल से गिरी मिली थी, जिसको अस्पताल में दाखिल कराया गया था और जिसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। मौत के पश्चात मृतका के फादर हरिकिशन ने अपने बयान पर, स्टेटमेंट पर ये मुकदमा दर्ज करवाया है जिसमें तीन लोगों के नाम हैं, जिसमें मृतका के पति विक्रम चौहान को 28 अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल इस मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। हाँ, उसी उसकी है। कहाँ काम करती थी ये महिला? ये प्राइवेट जो है ना किसी कंपनी में काम करते थे। ये इसका आरोपी है जो अभी इन्वेस्टिग पूछताछ जारी है इंटरोगेशन के बाद। इसके जो दीपिका चौहान और